डायबिटीज जो है उनका इलाज मैं पहले दो वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन मसलों के मुताबिक बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, बहुत ज्यादा फरमाइशें थी कि हमें चेहरे या जिस्म के मसलों के मुताबिक कोई रेमेडी बताइए, कोई देसी इलाज बताइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत छोटी सी टिप है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपने करना क्या है कि अरंडी का तेल जो होता है उसमें आपने मीठा सोडा मिलाकर इस्तेमाल करना है। अब किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आपने एक चम्मच अरंडी का तेल लिया तो उसमें आप करीब एक चौथाई चम्मच जो है वो मीठा सोडा डालेंगे खाने वाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, वो पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। अगर आपको लगे कि वो थोड़ा पतला है या कि वो ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो आप उसमें उसी हिसाब से अरंडी का तेल या मीठे सोडे की मकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ उसको पेस्ट की शक्ल देना है, ठीक होगा। तो इस पेस्ट को आप महफूज कर लीजिए, ये करीब आपका 5 दिन चल जाएगा। अब जहाँ पे आपके मसे हैं वहां पे आपने उसको थोड़ा सा लगा देना, आप कॉटन की मदद से लगा लें, हाथ की मदद से लगा लें, बट कॉटन की मदद से लगाइए, ज्यादा अच्छी बात है। लगा के आप सो जाएंगे, इसको लगा के सो जाए तो ये खुद ब खुद झड़ जाएंगे, इसको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि कितने टाइम में झड़ेंगे, ये आपको 7 दिन में भी रिजल्ट देगा और वह भी आपको 1.5 माह भी लग जाएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा इसका। तो इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करिए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, ताकि उनका भी ये मसला हल हो सके। बहुत छोटी और बहुत आसान टिप है, जैसा कि वीडियो के अंदर ही बता दिया कि क्वांटिटी को लेकर भी आपने परेशान नहीं होना, हमने उसको एक पतला सा जो है ना वो लेप एक पेस्ट बनाना है, ताकि उसको अप्लाई करने में हमें आसानी हो सके। जब भी आपने उसको अप्लाई करना है अच्छी तरह से उसको हिला लेना, शेक कर लेना, मिक्स कर लेना, फिर उसको अप्लाई करेगा, ठीक हो गया। वीडियो हमारी हो गई खत्म, और तकरीबन 2-3 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि कल या परसों हम लाइव वीडियो बनाएंगे, तो वो उसके बाद हमें एक दिन और लेट हो गया। तो अब फाइनली इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो आपको लाइव मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि मेरी बहुत सारे फैंस जो हैं वो उदास भी हैं, मिस भी करते हैं कि लाइव वीडियो बनाया करें, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है कि उनको लाइव आना पसंद होता है या कि उन्हें लाइव जो मैं करके दिखाती हूँ वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मेरा भी मकसद यही होता है कि आप अच्छे से समझ जाओ, ताकि आपको कोई पूछने की प्रॉब्लम नहीं हो, जब आपने अप्लाई करना हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने बनाना है। शरीर की बातें बहुत सारी हो गई हैं, आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। इस बात पे गौर करिएगा, खुद अपने लिए हम छोटी से छोटी तकलीफ भी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो फिर हम किस तरह से सोच सकते हैं कि ये दूसरे को हम ये तकलीफ दें तो वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा। इस बात पे गौर करिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन भी अच्छा लगेगा और आप उस पर अमल भी करेंगे, लाजमी अमल करेंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और नई वीडियो लाने तक के लिए, बल्कि लाइव वीडियो लाने तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत, खूबसूरती और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच